Hey guys, this is Ankit and I welcome you on the channel. And this is the recap of Ragnarok Season 2. So, spoiler alert. तो जैसा कि हमने सीजन 1 के आखिर में देखा कि मैग्ना और विडार के बीच फाइट होती है और मैग्ना अपने थंडर के पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं और यहीं पहला सीजन खत्म होता है। दूसरे सीजन के शुरुआत में हम देखते हैं कि मैग्ना और विडार दोनों को होश आता है और विडार मैग्ना से कहता है कि वो उसे अगले अमावस्या तक मार देगा। फिर हम देखते हैं कि वैंका मैग्ना को ईगल के रूप में ग्री का विजन शो करती है, जहां ग्री उससे कहती है कि अब ज्यों की जायंट्स को पता चल गया है कि मैग्ना को उसके पावर्स लाइटनिंग से मिल रहे हैं, तो अब वे पूरे शक्ति के साथ उस पर अटैक करेंगे और मैग्ना को अब उसके वेपन्स और फ्रेंड्स की जरूरत है जो इस लड़ाई में उसका साथ दे। वैंका फिर मैग्ना से कहती है कि वो उसे ढूंढने ना आए, क्योंकि अगर जायंट्स को पता चला कि वैंका गॉड फ्रेया है तो वो उसे मार देंगे। आगे हम देखते हैं कि विडार रान और सैक्सा को बताता है कि मैग्ना अब लाइटनिंग का इस्तेमाल कर सकता है और अब उसे सिर्फ ओल्ड वेपन से ही मारा जा सकता है और उसने मैग्ना को अमावस्या तक मारने का चैलेंज दिया है। वहीं फ्यूर अपनी फैमिली को छोड़ ग्री के साथ रहने चला जाता है और उसे अब जायंट्स और गॉड्स की फाइट से कोई वास्ता नहीं रखना। मैग्ना फिर लॉरिट्स को गॉड्स और जायंट्स के बीच होने वाले बैटल के बारे में बताता है और कहता है कि वो थॉर है और वो चाहता है कि लॉरिट्स उसकी इस लड़ाई में उसका साथ दे, पर लॉरिट्स मैग्ना की बातों का विश्वास नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि यूटिल फैमिली के टॉक्सिक बैरल्स मिलने के बाद एनवायरमेंटल एजेंसी से रिसर्च कंसल्टेंट मुख्तन को भेजा जाता है, जो अब इस केस में छानबीन करेगा। मैग्ना दिन प्रतिदिन पावरफुल हो रहा है और वो अपना लुक चेंज करता है और अपने हैमर म्योनिर की तलाश में लग जाता है। वहीं एनवायरमेंटल एजेंसी से विडार को बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है और फ्यूर के जाने के बाद वो अकेला पड़ गया है। तभी साक्सा बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाती है और विडार साक्सा को ऑफिस की सैर कराता है। वैंका टूरी के जरिए मैग्ना के लिए मैसेज भेजती है कि ब्रिज पे मैग्ना की मुलाकात गॉड से होगी और मैग्ना जब ब्रिज पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ईमान ही वो गॉड है जिसके बारे में वैंका कह रही थी और ईमान के पावर्स है कि वो किसी से भी अपनी बात मनवा सकती है। लॉरिट्स टूरी से कहता है कि वो अपनी फैमिली में सबसे अलग क्यों है, जिसके बाद टूरी कहती है कि वो मैग्ना का अपना भाई नहीं है और विडार उसके असली पिता है और टूरी विडार को बताती है कि लॉरिट्स उसका बेटा है। ईमान फिर मैग्ना के कहने पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक मैकेनिक से मैग्ना के लिए एक हैमर बनवाती है। विडार और लॉरिट्स एक दूसरे से मिलते हैं, पर मैग्ना इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है और विडार रान और साक्सा को बताता है कि लॉरिट्स उसका और टूरी का बेटा है। लॉरिट्स विडार को जानने के लिए उसके साथ बॉन्ड करता है। वहीं मैग्ना अपने नए हैमर को टेस्ट करता है, पर हैमर म्योनिर की तरह काम नहीं करता और विडार के गैर मौजूदगी में साक्सा बिजनेस हैंडल करती है और रान को विडार और लॉरिट्स का मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रान फ्यूर से मिल उसे घर वापस आने को कहती है, पर फ्यूर वापस आने से इनकार कर देता है और रान लॉरिट्स और टूरी को मारने की कोशिश करती है, पर मैग्ना उन्हें बचा लेता है और फिर मैग्ना अपने हैमर के साथ वैंका से मिलने पहुंचता है और कहता है कि उसकी फैमिली डेंजर में है और वो उसकी मदद करने को कहता है। वैंका कहती है कि म्योनिर को किसी ऑर्डिनरी वर्कशॉप से नहीं बनाया जा सकता और कहती है कि ओल्ड डेज से अभी तक एक आग जल रही है, इटर्नल फायर, और इससे पहले कि वो और कुछ बता सके उसे पता चलता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है और वैंका फिर मैग्ना को वहां से जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ विडार लॉरिट्स को बताता है कि वो ह्यूमन नहीं है बल्कि जायंट है और उसे डियर का दिल खाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उनके फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। और लॉरिट्स के दिल खाने और मीट पीने के बाद वो भी जायंट बन जाता है, जिसके बाद आईने में उसे उसका जायंट रूप नजर आता है और लॉरिट्स ही लोकी है। रान ने मैग्ना और वैंका को बातें करते सुन लिया था और वो विडार से कहती है कि वैंका मैग्ना की हैमर बनाने में उसकी मदद कर रही है और वो वैंका को मारने वाली है और लॉरिट्स सारी बातें सुन लेता है। मैग्ना लॉरिट्स को ढूंढता हुआ यूटिलहाइम आता है और लॉरिट्स मैग्ना से कहता है कि रान वैंका को मारने निकली है। रान को देख वैंका ईगल बनकर वहां से निकल जाती है, पर रान तीर से वैंका पर वार करती है और मरने से पहले वैंका वोटान को अपना नेकलेस दे देती है और उससे कहती है कि वो मैग्ना की मदद करे और मरने के बाद उसकी बॉडी राख में तब्दील हो जाती है। लॉरिट्स मैग्ना को बताता है कि उसके पास भी पावर्स आ गए हैं और मैग्ना लॉरिट्स को प्रूव करने को कहता है कि वो जायंट्स के साथ नहीं है। मैग्ना को ऐसा लगता है कि यूटिलहाइम में जो आग जल रही है वो वही आग है जिसके बारे में वैंका बताने वाली थी, जहाँ पे वो अपने हैमर को फोर्ज कर सकता है और वो लोग चोरी छुपके यूटिलहाइम में जाने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि वैंका ने वोटान को जो नेकलेस दिया था, वोटान उसे पहन लेता है और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लॉरिट्स फिर विडार से मिल उससे कहता है कि वो उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता है और अपनी बातों में फंसा कर यूटिलहाइम की एक चाबी अपने पास रख लेता है। लॉरिट्स और मैग्ना यूटिलहाइम पहुंचते हैं और मैग्ना अपने हैमर को आग में रखता है, पर कुछ नहीं होता और तभी विडार आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि लॉरिट्स उसे धोखा दे रहा था। फिर हम देखते हैं कि एरिक मैग्ना के घर डिनर पे आता है और मैग्ना उससे म्योनिर के बारे में पूछता है और लॉरिट्स जानना चाहता है कि लोकी गॉड कैसे बना।
एरिक बताता है कि लोकी ओडिन का ब्लड ब्रदर है और लोकी ने अपना ब्लड ओडिन के ब्लड के साथ मिलाया था, जिसके बाद वो सबसे अलग बन गया, हाफ गॉड हाफ जायंट। लॉरिट्स के धोखे के बाद विडार बहुत अपसेट है और वो रान से कहता है कि वो लॉरिट्स को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ वोटन अपने आप को ओडिन बताता है और ईमान से कहता है कि वो मैग्ना को बुलाए। मैग्ना लॉरिट्स के साथ वोटन से मिलने पहुंचता है, पर वोटन लॉरिट्स के सामने कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहता और लॉरिट्स को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि लॉरिट्स जायंट है। वोटन मैग्ना से कहता है कि अमावस्या आने वाली है और उन्हें तैयारियां शुरू करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लॉरिट्स वोटन के ब्लड सैंपल को अपने ब्लड में मिला लेता है, ठीक जैसा एरिक ने बताया था। एडा के स्टूडेंट्स यूटिल इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं और फ्यूर भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन करता है। तभी ग्री को पता चलता है कि उसके डैड ने सुइसाइड किया है, क्योंकि वो बहुत बीमार चल रहे थे, और ग्री और फ्यूर हॉस्पिटल जाते हैं। वहीं लॉरिट्स विडार को धोखा देने के बाद उसका गिल्ट महसूस कर रहा था और वह विडार के साथ यूटिलहैम जाता है। विडार लॉरिट्स को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और बताता है कि कैसे लोग जायंट्स को वर्शिप किया करते थे। लॉरिट्स जानना चाहता है कि जब यूटिल्स हमेशा से ही यहाँ थे तो लोगों को उनके बारे में कभी शक क्यों नहीं हुआ। विडार बताता है कि जायंट्स अपना अपीयरेंस थोड़ा चेंज कर सकते हैं और जब वो बूढ़ा होता है तो फ्यूर कंपनी को आगे चलाता है और वो फ्यूर का बेटा बनकर आता है, और जब फ्यूर बूढ़ा होता है तो फ्यूर विडार का बेटा बनता है, और ऐसे ही चलता आ रहा है। विडार लॉरिट्स को सारे सीक्रेट्स बताता है और फिर उसे कहता है कि वो उसका बेटा बन सकता था, पर उसने उसे धोखा दिया और वो विश्वासघात नहीं सह सकता, और एक्स के साथ उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी मैग्ना वहां पहुंच जाता है और मैग्ना और विडार की भी जबरदस्त फाइट होती है और मैग्ना के हाथों विडार मारा जाता है, जिसके बाद वो राख में तब्दील हो जाता है। विडार की मौत के बाद यूटुल फैमिली की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है कि विडार की डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई है, और रान और साक्सा को पता नहीं कि विडार की डेथ एग्जैक्टली कैसे हुई। मैग्ना फ्यूर से मिल उसे बताता है कि उसकी वजह से विडार की डेथ हुई है और फ्यूर अगर उससे बदला लेना चाहता है तो वो इसके लिए तैयार है, मगर फ्यूर कहता है कि उसे कोई बदला नहीं लेना। लॉरिट्स मैग्ना से बात नहीं कर रहा और मैग्ना लॉरिट्स से कहता है कि उसे बचाने के लिए विडार को मारना पड़ा, पर लॉरिट्स कहता है कि विडार उसे मारना नहीं चाहता था बल्कि उसे एक्स इस्तेमाल करना सिखा रहा था। विडार को मारने के बाद मैग्ना बहुत गिल्ट महसूस करता है और वो अब इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता और अपना हैमर वोटन को दे देता है। ग्री फ्यूर से कहती है कि उसके डैड की डेथ के बाद उसकी मॉम और वो एडा छोड़कर जाने वाले हैं, जिसपे फ्यूर कहता है कि वो विडार के फ्यूनरल में नहीं जाने वाला और वो भी एडा छोड़कर ग्री के साथ आएगा। मैग्ना को फिर से स्कूल आने की परमिशन मिल गई है और यूटिल इंडस्ट्रीज के काम को अब साक्षा संभाल रही है। वहीं दूसरी तरफ लॉरिट्स को पता चलता है कि उसके पेट में टेप वॉर्म है और एक रोज उसके पेट में जोरों से दर्द होता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में टेप वॉर्म को बाहर निकाला जाता है और वो टेप वॉर्म अभी भी जिंदा है, जिसके बाद लॉरिट्स उस टेप वॉर्म को अपने पास रख लेता है और ये टेप वॉर्म और कोई नहीं बल्कि सर्पेंट ऑफ मिडगार्ड है। साक्सा फ्यूर से मिलने पहुंचती है, जहां फ्यूर उसे बताता है कि विडार को मैग्ना ने मारा था, और साक्सा फ्यूर से जानना चाहती है कि क्या वो बिजनेस ज्वाइन करने वाला है या नहीं। फ्यूर कहता है कि वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करने वाला और वो एडा छोड़कर जा रहा है। विडार का फ्यूनरल होता है, जहां फ्यूर भी विडार के फ्यूनरल में पहुंचता है। मैग्ना लॉरिट से दूर जाने के बाद अपने आप को उसका गुनहगार मानता है और वो विडार के फ्यूनरल में पहुंचकर प्रे करता है और कहता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, जिसके बाद उसकी शक्तियां छीन ली जाती है। ग्री और उसकी मॉम एडा छोड़कर जा रहे हैं और मैग्ना उसे गुड बाय कहने आता है, और फ्यूर भी ग्री के साथ जाने वाला था, पर फ्यूर अब अपना इरादा बदल देता है और अब वो एडा में ही रहेगा और अपने फैमिली को लीड करेगा, और ग्री अपने मॉम के साथ एडा छोड़कर चली जाती है। फ्यूर फिर माउंटेन पे जाकर विडार के ग्रेव से एक्स को रिकवर करता है और विडार के बाद कंपनी को टेक ओवर करता है। अपनी शक्तियां खोने के बाद मैग्ना बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, उसे उसके चश्मे के बिना अब दिख नहीं रहा और वो अपने पुराने लुक में आ गया है, और वो वोटन से मिलने पहुंचता है और वोटन उसे वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि मैग्ना अब इस बैटल का हिस्सा नहीं है, और वो मैकेनिक हैरी जिसने मैग्ना का हैमर बनाया था उसे वोटन अपने मिशन में शामिल करता है। लॉरिट्स यूटिलहैम में पहुंचता है और उसे देख रान भड़क जाती है और उसे यूटिलहैम की चाबी ले लेती है। लॉरिट्स को ऐसा लगता था कि विडार उसे मारने वाला नहीं था, पर रान उसे बताती है कि उसके धोखा देने के बाद विडार उसे मारने वाला था। मैग्ना लॉरिट्स से मिल उसे माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसने अपनी शक्तियां खो दी है, और लॉरिट्स मैग्ना को माफ कर देता है और उससे कहता है कि उसके इस गॉड वर्सेस जायंट के बैटल में मैग्ना लॉरिट्स से अब किसी तरह के फेवर्स न मांगे। फ्यूर बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद बहुत से रैश डिसीजंस लेता है और वो टूरी को जॉब से निकाल देता है और टूरी को ह्यूमिलिएट भी करता है, और मैग्ना को जब इसका पता चलता है तो वो फ्यूर से मिलने पहुंचता है, जहां फ्यूर मैग्ना को मारता है और मैग्ना फ्यूर का सामना नहीं कर पाता, और फ्यूर को पता चलता है कि मैग्ना ने अपने पावर्स खो दिए हैं और वो उस पर तरस खाकर उसे छोड़ देता है। मैग्ना वोटन से मिलता है और अपने पावर्स वापस मांगता है, और वोटन मैग्ना से कहता है कि उसे फिर से जायंट्स को मारना पड़ेगा,
तो क्या वो इसके लिए तैयार है? पर मैग्ना कहता है कि वो किसी को मारेगा नहीं और वहां से चला जाता है। साक्सा फ्यूर के बिजनेस डिसीजन से सहमत नहीं है और वो फैमिली वोटिंग के जरिए फ्यूर को बिजनेस से बाहर निकालना चाहती है, जिसके लिए वो लॉरिट से मिलती है और उसे यूटिलाइम की चाबी देती है। और लॉरिट साक्सा से कहता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो साक्सा से उसे बहुत से पैसे चाहिए। लॉरिट जब यूटिलाइम पहुंचता है तो फ्यूर उससे कहता है कि साक्सा के पास कुछ भी नहीं उसे देने के लिए और वो चाहता है कि लॉरिट्स उसका साथ दे, जिसके बदले वो उसे सब कुछ देगा जो उसे चाहिए। लॉरिट्स फिर वहां से चला जाता है और रान उसे उसके घर ड्रॉप करती है। साक्सा ने लॉरिट्स को जायंट्स के बारे में सब कुछ बताया है और लॉरिट्स रान को उसकी सच्चाई बताता है कि कैसे वो सिर्फ कुछ बचे कुचे जायंट्स है और उनकी फैमिली सिर्फ एक रोल प्ले है, जिसके बाद रान लॉरिट्स को मारने की कोशिश करती है, पर तभी मैग्ना वहां पहुंच जाता है और रान मैग्ना को उठाकर फेंक देती है। पर फिर टूरिस्ट भी वहां पहुंचती है, जिसके बाद रान वहां से चली जाती है। मैग्ना फिर वोटान से मिल अपने पावर्स वापस मांगता है और अब वो तैयार है मारने के लिए। वोटान मैग्ना से कहता है कि उसे उसके पावर्स वापस चाहिए तो उसे उसके हैमर की जरूरत पड़ेगी। वोटान कहता है कि उसे लॉरिट से वो चाबी लानी पड़ेगी जिसे साक्सा ने दिया था। फिर वो बताएगा कि वो इटर्नल फायर कहाँ है जहाँ वो अपने हैमर को फॉर्ज कर सकता है। मैग्ना कहता है कि अगर लॉरिट्स को पता चला कि वो किस लिए चाबी मांग रहा है तो वो उसे कभी चाबी नहीं देगा, जिसपे वोटान कहता है कि वो लॉरिट्स को सच ना बताए क्योंकि बिना उसके हैमर के मैग्ना जायंट्स का सामना नहीं कर सकता और वो जायंट्स उसे और उसकी पूरी फैमिली को मार देंगे और मैग्ना को अगर लॉरिट्स को बचाना है तो उसे धोखा देना पड़ेगा। वोटान फिर मैग्ना को बताता है कि वो इटर्नल फायर यूटिल इंडस्ट्रीज में है जहां से वो अपने हैमर को फॉर्ज कर सकता है और इस काम के लिए वो मैग्ना ईमान और हैरी जाएंगे और उन्हें एक ड्वार्फ की जरूरत पड़ेगी और हॉस्पिटल में एक ड्वार्फ काम करता है हेल्वर और ईमान अपने पावर्स का इस्तेमाल कर उसे भी मिशन में शामिल कर लेती है। मैग्ना लॉरिट से कहता है कि उसे यूटिल इंडस्ट्रीज में प्रोटेस्ट के रूप में एक बैनर लगाना है जिसके लिए उसे चाबी चाहिए और लॉरिट उसे चाबी दे देता है और फिर मैग्ना अपने टीम के साथ यूटिल इंडस्ट्रीज पहुंचता है। यूटिल इंडस्ट्रीज में सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे और वोटान उन्हें उलझाता है और बाकी के लोग इंडस्ट्रीज में वो इटर्नल फायर डिस्कवर कर लेते हैं और हेल्वर और हैरी हैमर को फॉर्ज करना शुरू कर देते हैं। तभी फ्यूर वहां आ जाता है और हैरी और ईमान उसे रोकने की कोशिश करते हैं और फ्यूर उन दोनों पे भारी पड़ता है और फ्यूर हैरी का हाथ तोड़ देता है। मैग्ना और हेल्वर हैमर बनाने के बाद वहां से भागते हैं, पर तभी वहां पुलिस आ जाती है और हेल्वर पुलिस को उलझाता है और मैग्ना हैमर के साथ वहां से निकल जाता है। मैग्ना हैमर को टेस्ट करता है पर हैमर अभी भी काम नहीं कर रहा। पुलिस वोटान ईमान हैरी और हेल्वर को पकड़ लेती है और वोटान पे ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है। हैरी सर्जरी में है और ईमान और हेल्वर को जॉब से निकाल दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि एनवायरनमेंटल एजेंसी को यह पता चलता है कि एडा के वाटर बॉडी यूटिल इंडस्ट्री के स्टोरेज फैसिलिटी से ही कंटेमिनेट हुए हैं और यूटल्स पे टैक्स इवेजन का भी चार्ज लगाया गया है और अब उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। यूटल फैमिली बुरी तरह से फंस गई है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए साक्षा के सजेशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जहां फ्यूर ये कहता है कि वो अपना प्रोडक्शन नॉर्वे से हटाकर एशिया ले जा रहा है, जिसकी वजह से नॉर्वे के लोग अपना जॉब खो देंगे और लोगों के जॉब सिक्योर रखने के लिए गवर्नमेंट यूटिल इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट चार्जेस ड्रॉप कर देते हैं। और ये न्यूज सुन मैग्ना गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हैमर हरकत करना शुरू कर देता है और लॉरिट्स मैग्ना को हैमर के साथ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि मैग्ना ने अपना हैमर फोर्ज करने के लिए उससे झूठ कहकर चाबी ली थी। मैग्ना फिर अपने हैमर को जगाता है और उसका हैमर अब म्यूनिर बन चुका है और उसके पावर्स भी वापस आ गए हैं। साक्सा चाहती है कि वो और फ्यूर मिलकर बिजनेस चलाए, पर फ्यूर कहता है कि बिजनेस का चार्ज वो अपने पास ही रखेगा और साक्सा से कहता है कि उसने जो चाबी लॉरिट्स को दी थी उसी का इस्तेमाल कर मैग्ना और उसके साथी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और इस विश्वासघात के लिए साक्सा और लॉरिट्स को पनिश किया जाएगा। और फिर फ्यूर और रान साक्सा को मारते हैं। फ्यूर को मारने के लिए मैग्ना यूटिलहाइम पहुंचता है, जहां वो साक्सा को जख्मी हालत में देखता है। साक्सा बताते हैं कि उसने ही लॉरिट्स को चाबी दी थी, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में एंटर कर पाया और उसकी वजह से उसे पनिश किया गया है। साक्सा मैग्ना को उलझाए रखने के लिए उसके साथ सेक्स करती है और वहीं दूसरी तरफ रान और फ्यूर लॉरिट्स को मारने पहुंचते हैं और फ्यूर लॉरिट्स को मारने ही वाला होता है कि लॉरिट्स बताता है कि मैग्ना को उसका हैमर मिल चुका है और उसके पावर्स वापस आ गए हैं और लॉरिट्स के पास वो एक चीज है जिससे मैग्ना को मारा जा सकता है। वहीं मैग्ना को पता चलता है कि लॉरिट्स की जान खतरे में है और वो अपने घर जाता है, जहां वो फ्यूर और रान को देखता है और वो म्योनिर उनके कार की तरफ फेंकता है, पर रान और फ्यूर कार से निकल जाते हैं। मैग्ना लॉरिट्स को बुरी तरह जख्मी पाता है और उससे माफी मांगता है। आगे हम देखते हैं कि लॉरिट सर्पेंट को पानी में छोड़ देता है और उसे स्ट्रांग बनने के लिए कहता है और ये सब कुछ रान और फ्यूर देखते हैं। जहां तक एंडिंग की बात है, जो कि मैग्ना को सर्पेंट ही मार सकता है, जिसकी वजह से रान और फ्यूर लॉरिट्स की जान बख्श देते हैं
और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सीजन 3 में लॉरिट्स क्या खेल खेलता है। और यहीं दूसरा सीजन खत्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस तरह के और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।